बलरामपुर में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने भाजपा की ताकत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी जैसे नेताओं को दिया। गडकरी ने कहा कि अटल अडवाणी जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है। वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, मैं पहली बार जब हमारे पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था तो उस समय पार्टी की हालत बहुत खराब थी। शाम को कार्यक्रम था, एमसी छगला का साहब का भाषण हुआ था, तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्हें कहा था कि मैं देख रहा हूँ सूरज डूब रहा है समुद्र का, तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जब ये कह रहे थे तो सबको विश्वास हो गया कि आज स्थिति नहीं पर एक दिन ऐसा आएगा। और देखो अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अनेक कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हमारी सत्ता आई, राज्यों में सत्ता आई, जनता ने हमको समर्थन दिया। वो राजनीति थी, पर जैसे ये सामाजिक कार्य भी है उसमें आप सब लोगों से, आप सब लोगों की प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा कि आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे, आप सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनेंगे, आदर्श समाज के अंग बनेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और निश्चित रूप से देश के नागरिकों को आपका अभिमान होगा। वो दिन अब दूर नहीं है, वो नज़दीक आने वाला है और आपके प्रयासों से जल्दी नज़दीक आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हुए